बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर आ रही मधुबनी के रईका थाना क्षेत्र से, जहां 1750 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ मैजिक गाड़ी को पुलिस ने किया जब्त। रात का फायदा उठाकर आरोपी हुआ मौके से फरार। मधुबनी जिले के रईका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर खरुआ फरे के बीच मैनादपुर ब्रह्मस्थान के पास लाल रंग की मैजिक रजिस्ट्रेशन नंबर BR6PD9254 से नेपाल में बनी देसी शराब सोपी के साथ मैजिक गाड़ी की गश्ती कर रहे रईका पुलिस ने शक के आधार पर पीछा कर मानिकपुरा ब्रह्मस्थान के पास जैसे ही पहुंचा, मैजिक चालक अपनी गाड़ी छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा। रात्रि गश्ती कर रहे थाना अध्यक्ष अरुण कुमार, सहायक निरीक्षक राहुल कुमार ने गाड़ी की तलाशी ली तो शराब पाई। शराब के साथ ही वाहन को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। जब्त गाड़ी से 1750 बोतल नेपाली सोपी शराब, कुल मात्रा में 525 लीटर बरामद की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करों की पहचान कर ली गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है।